पन्ना जिले की ग्राम पंचायत मलघन गांव के मध्य स्थित तालाब में गंदगी होने के कारण ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर तालाब में गंदगी की सफाई नहीं हुई तो बीमारी फैल सकती है। ग्रामीणों ने सरपंच और विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यह मामला पन्ना कलेक्टर के संज्ञान में भी है, फिर भी अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने शाहनगर में धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। पन्ना से चरणजीत बंजारा की रिपोर्ट। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है विक्रांत दुबे। क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ पर समस्या नहाने की है और जो पानी यूज होता है, ढोर भी यहाँ पानी पीते हैं तो बीमार पड़ते हैं, लोग भी हैं। नहाने के बाद खुजली होती है, नहाने के लिए एक ही तालाब है। अब ये तालाब की अगर सफाई नहीं होती है तो आगे क्या कदम होगा आप लोगों को? तो उग्रान उग्रान साईनगर में होगा और सरपंच साहब के लिए खिलाफ होगा, इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन लेनी पड़ेगी जिम्मेदारी इसकी। क्या है समस्या भैया बताएं? नहीं, यहाँ तालाब में बहुत गंदगी है और ना कोई सरपंच ध्यान देता ना विधायक ध्यान देता। आप लोगों ने अब तक किसी को बताया है? हाँ, कई बार आवेदन दिए। किसको? विधायक को, सरपंच को। अगर ये तालाब में सफाई नहीं हुई तो क्या हो सकता है? बीमारी होती है सर, बीमारी खुजली होती है नहीं है इसके अलावा। यूज खेत ना पानी है, खुजली होती है, नहाने से पूरे शरीर में ददरे होते हैं। अभी तक साफ सफाई नहीं हुई इसकी? हाँ, एक बार नहीं हुई साफ सफाई। किसी को बोला है आप लोगों ने अभी तक? खीप दाए आवेदन दाए, पंचायत में नहीं देते रहे यहाँ। कौन सी ग्राम पंचायत है? सरपंच तो ये देखते ही नहीं। कौन सी ग्राम पंचायत है? ग्राम मालगाम। सरपंच नहीं सुनते आपकी? और किसी को दिया आपने? नहीं, विधायक को दिए। अरे बोल दो, क्या नाम लिखते हैं आप? मैं पहले नंबर तो अपना परिचय देना चाहता हूँ। हाँ? मेरा नाम विवेक कुमार दुबे, मैं ग्राम मलघन पंचायत का एक आम नागरिक होने के नाते मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर पहले नंबर तो पानी की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। यहाँ तालाब आप देख रहे हैं, तालाब कितना मतलब बहुत ज़्यादा कीचड़ और कीड़े वगैरह बहुत ज़्यादा है, गंदगी बहुत ज्यादा हो गई, यहाँ पर नहा नहीं पा रहे आदमी। इसका पानी सिर्फ यूज किसी भी यूज के लायक नहीं बचा है, यहाँ पे आदमी कुल्ला नहीं कर पाता, कुछ मंजन नहीं कर पाता। नहीं, इससे पहले आपने किसी को इसके बारे में बताया? आवेदन दिया है मैंने, इससे पहले एक बार पंचायत में भी दिया था, सरपंच साहब उसके नाम से भी दिया था और शाहनगर में भी दे चुका हूँ कलेक्टर के। कोई सुनवाई नहीं हुई? आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना कोई सुनता। अगर इस तालाब की सफाई नहीं होती है तो आगे आपका क्या कदम होगा? हमारा कदम होगा कि हम लोग यहाँ मतलब पूरे गांव के आदमी एकत्रित होंगे और यहाँ पे हड़ताल करेंगे। सरपंच के नाम का एक आवेदन हम कलेक्टर साहब को भी देंगे, SDM साहब को भी देंगे, क्योंकि यहाँ पे गाँव में यदि साफ सफाई नहीं होती है तो इस गाँव का तालाब मतलब आदमियों को बीमारी का खतरा बहुत ज़्यादा। आज भी मतलब नहाने के बाद यहाँ पर शरीर में खुजली होती है बहुत ज़्यादा। क्या अभी भी लोग बीमार हैं यहाँ पे जो इस तालाब के पानी में नहाने? हाँ, नहाते हैं, दाद हो रही बहुत ज़्यादा, खुजली हो रही है बहुत ज़्यादा, मतलब आदमी परेशान हो। इस गांव में ग्राम पंचायत में सिर्फ निस्तार के लिए एक ही तालाब है, इसके अलावा कोई ना यहाँ पे कुएँ है ना यहाँ पे पीने का, और मतलब इस तालाब के अलावा यहाँ पे एक समस्या और है, यहाँ पानी पीने की भी समस्या है। यहाँ पानी भी नहीं है, 2 किलोमीटर दूर जाते हैं यहाँ पर जनवरी से मतलब पानी ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ से मेड़े बारी यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, आदमी वहाँ जाते हैं पानी लेने के लिए। बहुत ज़्यादा समस्या है, कोई यहाँ पर सुनवाई मतलब कोई सुन ही नहीं रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।